हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये खूबसूरत क्राउन बनाना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 11.5 इंच का एक नॉर्मल बच्चों की कॉपी का पेपर ले लिया, बड़े रजिस्टर का। ये जो स्केल है ये 12 इंच का है, तो हमने ये पेपर लिया है 11.5 इंच, और इस तरफ इसकी चौड़ाई है 4 इंच। हमने नापा था इसको सेंटीमीटर से, बट आपको हम इंच के हिसाब से बता रहे हैं। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे, फिर एक और बार इसको फोल्ड करेंगे, और अब थर्ड टाइम हम इसको 3 फोल्ड दे देंगे ऐसे, और निशान लगाएंगे। हमारा ये 4 इंच की हाइट का ये पेपर है, तो हम हाफ इसको 4 इंच नीचे छोड़ेंगे, 4 इंच ऊपर, मिडल में हम निशान लगाएंगे। बिल्कुल हमारा पेपर ये एक बराबर का होना चाहिए, ताकि हमारा क्राउन खूबसूरत रेडी हो। अब देखें, इसको हम इस तरह फोल्ड करके दूसरी साइड पर भी मार्क कर लेंगे, और ऊपर भी मिडल में हम मार्क कर रहे हैं ये। अब हम वी शेप में स्केल से निशान लगाएंगे। हम स्केल से इसलिए निशान लगाएंगे ताकि जब कट करें तो बिल्कुल सीधा कट हो, पेपर हमारा ख़राब ना हो। ये देखें, हम पेन से निशान लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी ऐसे ही लगाएंगे। और मार्क करने से काम आसान हो जाता है, नीट होता है। ये देखें, और कहीं से भी कम या ज़्यादा नहीं कटता। आपने जब ये निशान लगाने हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपने ये देखना है, कहीं से ज़्यादा या कम ना कटे, निशान एक बराबर लगे। और सीज़र से हम ऐसे वी शेप में कट करेंगे पेपर को। ऊपर से नोक बननी चाहिए, ताकि ऊपर हम छोटे छोटे बॉल्स रेडी करके लगा सकें। आप देखें, खोलते हैं, सारा एक बराबर रेडी हुआ है। अगर आपका केक 4 से 5 पाउंड का है तो आप इस साइज़ का बना सकते हैं, लेकिन अगर आपका केक 3 पाउंड का है तो आप इससे 2 इसका कम कर सकते हैं। जैसे ये 11.5 इंच की इसकी लेंथ है, तो आप उसको 9.5 का रेडी कर सकते हैं, और आप इसकी चौड़ाई भी 3.5 कर सकते हैं। अगर क्रीम केक के ऊपर लगा रहे हैं और छोटा है, तो फिर आप इसको 9 इंच का, और लंबाई में और चौड़ाई में 3 इंच का करके रेडी कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, केक जो हमारे कस्टमर हमें पिक्चर भेजते हैं उसके ऊपर जो डिज़ाइन होता है उसको फॉलो करें तो टॉपर रेडी करें, तो जब हम अपने केक पर उसको लगाते हैं टॉपर को, वो बड़ा दिखता है टॉपर। यहाँ अब हम फाउंडन में टाइलोस पाउडर ऐड किए, अच्छी तरह मिक्स करके उसको हमने लंबाई में बेल लिए। अब हम जितना हमारा ये साइज़ है पेपर जो हमने कट किया, उसके हिसाब से एक बराबर का फाउंडन को कट करेंगे, ताकि क्राउन की अच्छी नीट लुक हो, खूबसूरत लगे केक के ऊपर। तो ये देखें, स्केल से काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है, किसी भी तरफ से क्राउन की शेप ख़राब नहीं होगी, एक जैसा कट करेंगे। और फाउंडेंट का काम करने के लिए, केक का काम करने के लिए बहुत सारी जगह पर हमें ज़रूरत होती है स्केल की। 2 स्टील के छोटे स्केल हमने रखे हुए हैं फाउंडन का काम करने के लिए, और 2 ही स्केल बड़े हैं। तो यहाँ देखें, जो क्राउन हमने पेपर से कट किया था, बिल्कुल उसके मुताबिक हमने फाउंडन उतनी ही लेंथ में कट किया है। अब यहाँ हम अच्छी तरह पेपर ऊपर सेट करेंगे और स्केल को रखेंगे, और इसके ये साइड्स हम ऐसे कट करेंगे, नीट कट करेंगे। क्योंकि इसको अगर हम अच्छा नीट कट नहीं करते, तो फिर ये इसको सेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये ख़राब होगा, अच्छा लुक नहीं देगा।
तो यहाँ हम इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर कटर का जो ब्लेड होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बस आपने ये ख्याल करना है नीचे जो आपकी सिलिकॉन की शीट है वो कट ना हो। कभी कभी फॉन्डेंट का काम करते हुए कटर ज़्यादा ज़ोर से दब जाए तो सिलिकॉन शीट कट जाती है। तो आपने जब भी आपको ज़रूरत हो क्राउन बनाने की, आप आहिस्ता और बड़ी एहतियात के साथ इस कटर का इस्तेमाल करें। ये बहुत शार्प ब्लेड होता है और ये क्राउन आप आसानी से बना सकते हैं। सर्दी में आपको बहुत ज़्यादा टाइलोस पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्डेंट का कोई भी टॉपर बनाए तो वो स्टैंड करता है, बट गर्मी के मौसम में और आजकल के बारिश के मौसम में ये थोड़ा स्टे नहीं करता, तो उसके लिए टाइलोस पाउडर ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ देखें जिस तरह की पिक्चर हमारे कस्टमर ने हमें भेजी थी सेम वैसा क्राउन हमने रेडी किया है। बहुत आसान है, इस तरह के क्राउन के मोल्ड अवेलेबल नहीं है, ये सिंपल क्राउन खुद रेडी करना पड़ता है। अब हमने ट्रांसपेरेंट शीट को रोल किया है, उसके ऊपर हम पेपर लगा रहे हैं ताकि क्राउन को हम सेट करें। 2 दिन पहले हमने क्राउन रेडी किया है ये केक देने से पहले, ताकि क्राउन सेट हो। आप हम फाउंडन के ऊपर डस्ट कर रहे हैं और इसकी साइड पर हम ये क्राउन को इस तरह सेट करेंगे। यहाँ चिपका देंगे हम फाउंडन को। गर्मी होने की वजह से ये स्टे नहीं कर रहा था, गिर रहा था, बस हमने जल्दी से उसको पानी लगाया और सेट कर दिया। ये इसकी बैक साइड है। अब हम इसको इसी तरह पूरी रात छोड़ देंगे और इसके ऊपर के लिए हम बॉल्स बना के गम पेस्ट की रखेंगे। ये क्राउन फाउंडेंट का और बॉल्स हमने गम पेस्ट की बनाई हैं ऊपर लगाने के लिए। देखें सारी बॉल्स एक जैसी बनाई हैं, उसके अंदर हमने स्कीवर लगा कर बिग होल किया है और जो भी ये क्राउन की छोटी सी नोक है उसके ऊपर हमने ये सेट कर दिया। और इसके ऊपर हमने डस्ट उस वक्त लगाया था जब हमने क्राउन को केक के ऊपर लगा दिया था। तो कैसा लगा हमारा ये खूबसूरत क्राउन, आप भी रेडी कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।